हमारा दूसरा टॉपिक है की इन एसपीसी ये जो आप अपने सामने एक तस्वीर देख रहे हैं इसको हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि डॉट्स लगे हुए हैं जो कि जिनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है और ये एक मिडल लाइन और एवरेज लाइन जिसके अराउंड ये डॉट्स लगे हुए हैं और ऊपर नीचे फिर लाइने लगी हुई हैं जिनपे लिखा हुआ है कंट्रोल लिमिट तो सारे कॉन्सेप्ट uh, uh, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएशन अब वेरिएशन जो है वो हर प्रोसेस में होती है नेचर के अंदर ही वेरिएशन है आप देखते हैं कि एक ही तरह के दरख्त पे मुख्तफ साइज के फ्रूट लगे होते हैं हालांकि दोनों बिल्कुल एक ही फ्रूट जो होता है वो एक ही प्रोसेस से गुजर रहा होता है वही धूप पड़ रही होती है वही पानी वही दरख्त की बॉडी है वही इन्वायरमेंट है लेकिन फर्क होता है इसी तरह आप देखते हैं कि एक ही मॉडल की गाड़ियां आप धो लेते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में फर्क होता है एंड सो so ऑन इंसानों में भी ऐसे ही होता है नेचर में भी ऐसे ही होता है लेकिन ये वेरिएशन जो है अगर इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए स्पेशली मैं अब प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये आपके बिजनेस के लिए बड़ी फेटल साबित हो सकती है अब ये तो नहीं हो सकता कि आपके कस्टमर इस चीज़ पे सेटिस्फाई हो जाए कि खैर है एक दिन मैं आऊँगा तो मुझे दूध के डब्बे में एक किलो दूध मिलेगा अगले दिन पौना किलो भी मिल गया तो खैर है तो वेरिएशन जो है वो नेचर में तो है हर जगह पे है लेकिन प्रोडक्शन में हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी सक्सेस पे फिर उसका फर्क पड़ता है अब वेरिएशन जो है वो किन सोर्सेस से आती है ये ये एक की समझने की चीज है तो दो कॉजे होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आती है एक को हम कहते हैं कॉमन कॉज और एक को हम कहते हैं स्पेशल कॉज जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके पास एक बास्केटबॉल है और आप एक बास्केटबॉल के कोर्ट में खड़े हैं और आप आप ही हैं बिल्कुल फ्रेश हैं पंद्रह बीस बार अटेप्ट करते हैं आप बास्केट करने की तो हर दफा बॉल जाके मुख्तलिफ जगह पे लगता है हालांकि एनवायरमेंटल सिचुएशन भी वही है कोर्ट भी वही है आगे बास्केट भी वही है आप भी वही हैं बॉल भी वही है और आप अटैम्प्ट भी अपने तमाम सेंसेस के साथ उसी तरह कर रहे हैं कि बॉल बास्केट में जाए लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पर जाती है अब वो उसकी वजूहत क्या हैं देखने में जो मैंने पाँच छः आठ दस एक्टर्स के नाम लिए वो तो बिल्कुल एक जैसे हैं तो अगर तो ऐसा हो कि जिस वक्त आप बॉल फेंकने लगे और एकदम आपकी आंखों में कोई लाइट पड़े या कोई जोर से इधर उधर से आवाज आए या कोई आपको धक्का दे दे तो वो तो एक स्पेशल कॉज हो गया वो तो समझ आता है लेकिन जो किसी स्पेशल कॉज की गैर मौजूदगी में भी जो वेरिएशन होती है उसको हम कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं सुबह अपने घर से अपने दफ्तर तक जाते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको फ़र्ज़ करें आप F8 में रहते हैं और आपने बैरिया टाउन जाना है या बैरिया टाउन में रहते हैं और हफेट जाना है आपने तो तकरीबन आपको चालीस मिनट लगेंगे सुबह अगर आप साढ़े सात बजे घर से निकलते हैं लेकिन अगर आप मेजर करना शुरू करें तो रोज तो आपको चालीस मिनट नहीं लगेंगे कभी आप पैंतीस छत्तीस मिनट में भी पहुंच जाएंगे कभी आप पैंतालीस पचास मिनट में भी पहुंच जाएंगे और किसी वक्त फैजाबाद पर धरना हुआ तो फिर शायद आपको डेढ़ घंटा भी लग जाए तो ये धरना जो है ये स्पेशल कॉज है ये आपको पता है कि आ, या किसी खास दिन होगा या आप आप प्रोडक्शन में ले लें तो ये कैसा रीज़न हो सकता है कि जैसे आज आपका टूल वियर आउट हो गया जैसे आज आपकी मशीन में लोबॉयल कम हो गया तो वो स्पेशल कॉजेज होते हैं लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो आपका ट्रेवल टाइम पैंतीस मिनट और पचास मिनट के दरमियान रहता है उनको आप प्रॉबली समझ नहीं सकते फिलहाल अवेलेबल डेटा के मुताबिक जो हमने -बॉल को फेंका था बास्केट के अंदर तो कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई लेकिन बॉल एक जगह पे नहीं गया उसकी रीजन क्या है प्रॉबली हम उसको फिलहाल डिसन नहीं कर सकते इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक क्योंकि हमारे पास ना कोई ऐसे गैजेट्स हैं ना हमने अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे मॉनिटर्स लगाए हुए हैं कि मसल की स्ट्रेंथ कितनी है मसल किधर ट्विच हो रहे हैं पानी मेरी बॉडी में कितना कम हुआ ज्यादा हुआ तो उन चीजों को जिन जिनको फिलहाल हम मेजर नहीं कर सकते या इवन अगर कर भी सकते हो तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और इवन अगर कंट्रोल कर भी सकते हो तो इंडिविजुअली उनका इम्पेक्ट इतना छोटा होता है कि हम उनको कंट्रोल करके भी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते तो उनको हम कहते हैं ये कॉमन कॉजेज हैं वेरिएशन के और कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम ठीक कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में हमारा टूल खराब हो गया है जो ड्रिल कर रहा था एक मेटल की शीट के अंदर तो उस टूल को हम चेंज करेंगे तो ड्रिलिंग ठीक होनी शुरू हो जाएगी तो वो स्पेशल कॉज है तो हमारे सारी एफर्ट का जो प्रोडक्शन uh, मैनेजर्स होते हैं उनकी एफर्ट का मकसद होता है स्पेशल कॉज को रिमूव करना ठीक है जी स्पेशल कॉज को रिमूव करना लेकिन वो कैसे रिमूव करेंगे जब आपको पता चलेगा कि स्पेशल कॉज है जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रिल आप से जो आपने सुराख करना था इट टेक्स लेट्स फोर एंड हाफ सेकेंड अगर नया टूल हो या ऐसा टूल हो जो जिस जो भी अच्छी कंडीशन में है. लेकिन जो जो आपका टूल खराब होता जाता है वो पाँच साढ़े पाँच सेकेंड लेता है तो आपको कब पता चलेगा कि ये टाइम ज्यादा लेना शुरू हो गया तभी पता चलेगा जब आप उसको मेजर करेंगे तो स्पेशल कोजेस के लिए फिर आपके पास एक मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए और जब आप उस मेजरमेंट सिस्टम की बेसिस पे डेटा इकट्ठा करेंगे इस तरह के कोई कंट्रोल चार्ट वगैरह बनाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि किस वक्त एक्सेप्टेबल लिमिट से आगे अब डेटा जा रहा है तो आप उसको फिर अपने टूल को चेंज करेंगे इसी तरह और भी कोई भी स्पेशल कॉज हो तो उसको एड्रेस करने के लिए अनलेस इट्स इट्स अ वेरी ह्यूज एंड कैटास्ट्रोफिक इवेंट तो स्पेशल कॉजेस को हैंडल करने के लिए आपको डेटा गैदरिंग और उस डेटा की एनालिसिस चाहिए होती है जो नॉर्मली कंट्रोल चार्ट की शक्ल में होती है अब अब कॉमन कॉज जो है इसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे ऐसा नहीं है कि कॉमन कॉमन कॉज भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छी फैसिलिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है कोई गर्मी नहीं है जिसके अंदर जो आपकी आपके टूल्स हैं वो हाईएस्ट uh, क्वालिटी के हैं और उनमें के, हर चीज़ कैलिब्रेटेड है और आपके पास कंट्रोल कंट्रोल मैं सेंस में कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी टेम्परेचर डिवाइस ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे हैं जिसका टम्परेचर देखना है तो उसकी नॉब पर आप एक डिग्री सेंटीग्रेड भी रख सकते हैं दो भी रख सकते हैं तीन भी रख सकते हैं और सौ तक जा सकते हैं तो आपके पास सौ कंट्रोल पॉइंट्स हैं कंपेयर अनदर डिवाइस जिसमें एक बटन दबाएं या एक नॉब घुमाएं तो वो बीस डिग्री पे जाता है दोबारा घुमाएं तो चालीस पे जाता है फिर साठ पे फिर अस्सी और फिर सौ पे यानी सिर्फ पाँच पॉइंट्स हैं तो ये दोनों जो मशीन्स हैं इनमें कंट्रोल का लेवल डिफरेंट है तो इस, इस तरह आप, आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कॉमन कॉज वेरिएशन कितनी मिलेगी बहुत अच्छी इन्वायरमेंट जहाँ पे हर चीज़ के कंट्रोल के लेवल्स अच्छे हैं वहाँ पे आपको कॉमन कॉज वेरिएशन कम मिलेंगी और जहाँ पे आपके कंट्रोल के लेवल्स और इन्वायरमेंट इट्स नेचर उसके अंदर वेरिएशन है तो वहाँ पे आपको कॉमन कॉज वेरिएशन भी काफ़ी सारी मिलेगी और स्पेशल काज तो एनी anyway, वे वो तो स्पेशल काज की वजह से होती है वो तो आपको समझ आई जाएगी अब जो मैंने आपको इन दो चीजों को कंपेयर करके बताया दो इन्वायरमेंट्स को इनमें आप गौर करें तो आ, आ, बेसिकली आपने अगर एक एन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट की तरफ मूव हुए तो आपने कॉमन काजेज को भी कंट्रोल कर लिया लेकिन वो कंट्रोल आसानी से नहीं होगा और उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी और आपकी एचआर में भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो पहले जब हम कह रहे थे कि कॉमन काजेज को Uh, पहले तो मेजर करना मुश्किल है मेजर कर लिया तो कंट्रोल करना मुश्किल है और कंट्रोल कर लिया तो उनका इम्पेक्ट भी बहुत कम होगा तो वो जनरली स्पीकिंग वो एक एक स्टैंड लोन सिस्टम के लिए या एक सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जिनको हम कहते हैं ना कि री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स किसी चीज़ को रीडिजाइन करना तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स तो हैं वो वो कॉमन काजेज को uh, नीचे लेके आते हैं स्पेशल काजेस जैसे मैंने आपको कहा वो इवेंट्स होते हैं जो जिनको आप डेटा के जरिए मेजर करते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो फिर हम स्पेसिफिक केसेस आगे इन देखते रहेंगे लेकिन वो टूल्स की यूज़ से लेके वो एच के ट्रेन ना होने से लेके मौसम की तब्दीली से लेके यानी एसी चल रहा है या चल रहा लाइटिंग से लेके इस तरह बहुत सारे स्पेशल कॉजेज़ होते हैं तो आप अब अब दोबारा कंट्रोल चार्ट की तरफ देखें जो राइट पे है तो ये डॉट्स आपको ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं तो जहां पे कॉमन कॉज वेरिएशन कम होगी वहां पे ये डॉट्स जो हैं वो लाइन जो ब्लैक वाली एवरेज आउटपुट की लाइन है इसके काफी करीब होंगे और जो ऐसे इन्वामेंट या ऐसी फैसिलिटी जो आपकी कंट्रोल में कम है वहां पे ये एवरेज की लाइन से बहुत दूर होंगे और जो स्पेशल कॉजेज हैं उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं वो हम अगेन uh, काफी डिटेल में आगे देखेंगे लेकिन वो uh, ये रेड वाली लाइन से बाहर पॉइंट्स होंगे ट्रेंड्स हमें नजर आएंगे तो वो स्पेशल की तरफ हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे तो इस सारे एनालिसिस को बहुत सारी डिटेल में हम करते हैं इसकी बेसिस पे हम फैसला करते हैं कि हमारा प्रोसेस इन कंट्रोल है या नहीं है या इन अदर वर्ड्स हमारा प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है अब फॉर uh, एग्जाम्पल आप uh, को तो एक ऑर्डर मिलता है यूरोप से कि आपने शर्ट्स बनानी है सोलह कॉलर साइज की उनको एक मिलियन शर्ट्स चाहिए तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप वो एक मिलियन शर्ट्स उनके उनके लिए बना सकते हैं कि नहीं और आप अगर फ़र्ज़ करें एक दफ़ा एक लाख शर्ट्स भेजेंगे तो वो सारी की सारी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगी नहीं या, या नहीं तो वो आप फिर प्रॉब्लम आपका क्वालिटी कंट्रोल का डेटा मांगेंगे आप किसी को ले आए अपनी फैक्ट्री में और सिर्फ शर्ट्स शर्ट बन, बनती हुई दिखाते रहे तो वो तो मुमकिन नहीं है ना कि उसको पता चले कि हर शर्ट ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी जनरली एक अच्छा इंप्रेशन जा सकता है सफाई सुथराई से अच्छी मशीनों से अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों से लेकिन उनको एग्जैक्टली exactly तो पता नहीं चलेगा तो उसके लिए आप उनको आपका कंट्रोल चार्ट्स या आपका प्रोडक्शन का डेटा चाहिए होगा और उससे वो सेटल करने की कोशिश करेंगे कि आप उनके उनका काम कर सकते हैं कि नहीं आगे हम इनशाला जब डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद एग्जाम्पल्स बताऊँगा जहाँ पर उनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होती वो आपका आप अगर उनको सैंपल जब भेजते हैं यानी सौ शर्ट्स का सैम्पल भेजा आपने तो वो उन्हीं को मेजर करके रिवर्स इन रिवर्स कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं और आपको बता देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट उनके काम की है या नहीं है तो यानी इन अदर वर्ड्स आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है या नहीं है इन अदर वर्ड्स आपका प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है अब ये जो आ, लिमिट्स हैं आपके सामने लाल रंग की जो लाइनें लगी हुई हैं आप कंट्रोल और लोअर कंट्रोल ये कहाँ से आती हैं ये आपके डेटा से ही कैलकुलेट होती हैं लेकिन फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर आया और वो आपको कहता है कि मुझे तो आ, इतने ज्यादा स्प्रेड वाला डेटा नहीं चाहिए और वो आपको इन इस ब्लैक लाइन के बहुत करीब दो और लाइने लगा के देता है एक ऊपर और एक नीचे कि मुझे तो इसके अंदर अंदर वाला माल चाहिए खाली उससे क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे पंद्रह बीस डॉट्स लगे हुए हैं इन अदर वर्ड्स ये आपकी प्रोडक्शन है तो उसमें से खाली छः सात वो आपसे ख़रीदेगा और बाकी रिजेक्ट कर देगा तो वो जो कस्टमर की लिमिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट्स और जो हमारे अपने डेटा से जो लिमिट्स निकलती हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कैसे निकलती हैं उनको हम कहते हैं कंट्रोल लिमिट्स तो ये ये बेसिकली चार की कॉन्सेप्ट हैं एस बी सी से रिलेटेड अब इनके फर्दर uh, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनको हम अगले सेशंस you know, में और आज भी डिस्कस uh, करेंगे